आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। नमस्कार मित्रों, आप यहां देख सकते हैं कि हम लोग यहां पे चाय चौपाल में कुशीनगर के प्रॉपर कुशीनगर में बैठे हुए हैं पथिक निवास के सामने यहां बल्ली की दुकान पे। और हमारे साथ यहां पे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मुक्तेश्वर पप्पू मलेशिया जी हैं। आइए हम जानते हैं कि वर्तमान में जो चुनाव हरियाणा और राजस्थान में हुए और महाराष्ट्र में, उस परिदृश्य में उनकी क्या विचार हैं, क्या राय हैं। आप चूंकि नगर पालिका के पूर्व प्रशासक रहे हैं, आपका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, केंद्र की जो मोदी सरकार है और आज 2+2 इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी जोगी की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी अपराध और अपराधीकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माननीय मोदी जी हमारे तमाम दावे करते हैं विकास के, क्या लगता है आपको, कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या फसाना है? बिल्कुल सच्चाई यह है कि पूरे भारत में इस सरकार ने 2014 से जो नए भारत की जो कल्पना लेकर के भारत में सरकार बनाने का काम किया, वह एक इसने नए निर्माण पर, नए विकास पर कोई काम नहीं किया। दूसरी चीज बता दूं आपसे, जहां तक इन्होंने कहा कि मैं करोड़ों नौजवानों को रोजगार दूंगा, वहां भी सरकार विफल हो गई। और तो और दलित और पिछड़े और सवर्ण समाज के लोगों को बेमतलब का उन्हें अपराधी बनाकर काउंटर कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि यह सरकार अपने आप में धर्म उन्माद फैला करके सत्ता पर तो काबिज हो गई, लेकिन बेरोजगारियों का अंबार बढ़ता गया। जहां तक इस सरकार के दावे थे कि हम काला धन लाएंगे, काला धन लाने में विफल हो गई। और सत्ता पक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, उनका काला धन जाके स्विस बैंक में जमा हो गया। इस बात या आप तमाम मीडिया के लोग इस बात को पता करें, पता चल जाएगा। चौथी बात यह मैं बता दूं कि जिस बड़े पैमाने से बेरोजगारी की संख्याएं बढ़ रही हैं, उसी का यह देन है कि प्रदेश में और देश में अपराध भी बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जिन मुद्दों को लेके भाजपा सरकार आई थी, जिसमें भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में जनता ने इसको लिया था, क्या वो अपने लक्ष्य में सफल है, असफल, आपको क्या लगता है? बिल्कुल असफल है। भगवान राम राज्य की बात भाजपा ने किया था, भगवान राम राज्य जब अयोध्या में चलाए थे तो भगवान राम का यह सबसे बड़ा उद्देश्य था कि किसी के घर में चूल्हा ऐसा न हो कि न जले और कोई ऐसा न हो जो उत्पीड़न में रहे। लेकिन इस सरकार में जो राम राज की बात कही गई, वह बिल्कुल आज भी हिंदुस्तान के प्लेटफार्म पर, फुटपाथ पर करोड़ों करोड़ों इस देश के नौजवान भूखे बेरोजगार सोने के लिए विवश हैं, और वह राम राज की सपना बिल्कुल सही नहीं इस भाजपा ने लाया, ना लागू किया, ना उसमें कोई कठोर कदम। राम एक राजनीतिक मुद्दा है भाजपा के लिए, उनके लिए है, लेकिन पूरे देश के लिए नहीं। पूरे देश के लिए महापुरुषोत्तम श्री राम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में भगवान राम है। तो जो सरकार भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के पदचिन्हों पर नहीं चल सकती और भगवान राम को बेच करके सरकार बना सकती है, उस देश के एक आम मनुष्य का क्या कीमत उसके सामने हो सकता है?